नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। बिहार में शराबबंदी लागू है, इसके बावजूद कई जगहों से शराब के सेवन का मामला सामने आता है। कई जगहों से अवैध शराब के निर्माण की सूचना मिलती है, वहीं कई जगहों से शराब की बरामदगी भी होती है। एक बार फिर से बड़ी खबर भागलपुर जिले से सामने आ रही है, जहां पर भागलपुर जिले के जोगसर थाना क्षेत्र के पीएचईडी विभाग के अधीक्षण अभियंता के घर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने अधीक्षण अभियंता विजय कुमार के घर पर दबिश दी, जहां पर उनके गार्ड अमरेंद्र पासवान के कमरे से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है। हालांकि इस मामले को लेकर अधीक्षण अभियंता ने साफ कहा है कि उन्हें इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। शराब कैसे यहां तक पहुंची, इसको लेकर उन्होंने अपने ही गार्ड पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वो शराब का सेवन भी करता था और हो सकता है कि उसी ने इतनी सारी शराब को यहाँ ला कर रखा होगा। इस पूरे मामले को लेकर जब पुलिस ने पूछा तो क्या कुछ वो कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। ले गया है पकड़ के पुलिस, अब जो भी बताएगा सो गार्ड ही बताएगा कि कहाँ से आया, और गार्ड ही पहले जाके थाना वाला को बताया भी है और उसी के आधार पर छापामारी हुआ है तो शराब बरामद हुआ है। आप यहीं रहते थे ना? हाँ, रहते हैं। सर, आपको जानकारी नहीं थी? नहीं, बिल्कुल जानकारी नहीं थी। गार्ड का क्या नाम है? गार्ड का नाम अमरिंदर कुमार पासवान है। कितने वो यहाँ बहुत दिन से है? 8-9 साल से था। वो पीछे पीछे है, सरहंट क्वार्टर बना हुआ है। हाँ, विजय कुमार, अधीक्षण अभियंता। तो जैसा कि आपने सुना, इन्होंने साफ साफ इस मसले से अपनी संलिप्तता को स्वीकार नहीं किया है। इन्होंने साफ कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे इस बात की भनक तक नहीं थी कि मेरे गार्ड के कमरे में इतनी भारी मात्रा में शराब रखा गया है। तस्वीरों में भी आप साफ देख पा रहे होंगे कि इतनी भारी संख्या में यहाँ पर शराब के कार्टून्स रखे गए हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल पुलिस जाँच पड़ताल कर रही है, वहीं उनके गार्ड को हिरासत में भी ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोयला घाट रोड स्थित खंजरपुर इलाके में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधीक्षण अभियंता के घर जोगसर पुलिस ने छापेमारी की, जहां पर विजय कुमार के आवास परिसर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया है। पुलिस ने 3 कार्टून इंपीरियल ब्लू, 2 कार्टून ब्लेंडर प्राइड, 4 कार्टून बियर, 1 कार्टून 100 पाइपर्स विदेशी शराब बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस ने उनके गार्ड को हिरासत में ले लिया है। वहीं उसके सहयोगी छोटू उर्फ संतोष यादव को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की कर रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अधीक्षण अभियंता ने क्या कुछ कहा है, हमने आपको सुनाया है, लेकिन अब ये पूरा मामला जांच का विषय है, जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। लेकिन बड़ा सवाल तो एक ये भी है कि इतने भारी मात्रा में उनके घर पर शराब पहुंच जाती है और उनको कानों कान भनक तक नहीं लगती है, इसमें भी संदेह हो रहा है। बहरहाल देखना होगा आगे जांच के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।